मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं पहाड़ टाइम्स। माता पिता हमेशा से अपने बच्चों से प्यार करते रहे हैं, इतना ही नहीं उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए हर तरह के संघर्ष का सामना करते हैं। लेकिन क्या हो जब एक पिता ही अपने बच्चे का हत्यारा बन जाए। मुंबई में एक संकी पिता ने अपने 5 साल के मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी है। घटना शनिवार सुबह मालवानी इलाके की है। पुलिस ने एक 44 साल के व्यक्ति को अपने 5 साल के बेटे का कथित तौर पर गला रेत के मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि छोटी सी बात पर संकी पिता ने अपने बच्चे को मौत के हवाले कर दिया। आरोपी की पहचान नंदन अधिकारी के रूप में हुई है, जिसकी पत्नी सुनीता और 13 साल की एक बेटी और 5 साल का एक बेटा मलाड पश्चिम के मालवानी चर्च के पास रहते थे। शनिवार को नंदन की बेटी ने उससे अपने स्कूल के ओपन डे में आने को कहा था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, जिसके बाद माँ और बेटी सुबह करीब 9 बजे स्कूल के लिए निकल गए। जिसके बाद सुनीता को ये खबर मिली कि उसके घर पर पुलिस आई हुई है। जब वो घर पर पहुंची तो पुलिस ने नंदन को गिरफ्तार कर लिया था और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन वहां पर बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को बोरीवली के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने नंदन पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। सुनिए इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या जानकारी दी है। कल 19/11/2022 को मालवनी पुलिस स्टेशन में गुना 302 का दाखिल किया है। उसमें कंप्लेनेंट ने बताया दिया है कि उनकी लड़की कल 19/11/2022 को स्कूल में छोड़ने के लिए बोल गई थी, तब उसके पिताजी ने उसको छोड़ने के लिए मना किया। तब उसकी माँ उनको छोड़ने के लिए गई, तब घर में 5 साल का लड़का सो गया था। उसके पिताजी ने चाकू से गला काट के हत्या कर दी है। उसके बारे में उसको अरेस्ट किया है, उसको कोर्ट में पेश किया था, कोर्ट ने उसकी पुलिस कस्टडी दी है। वो 6 महीने से कुछ भी काम धंधा नहीं करता था, उसको छोटे छोटे इशू पे गुस्सा आता था। आरोपी क्या करता है सर, क्या कुछ जानकारी मिली है? आरोपी 6 महीने से कुछ भी काम धंधा नहीं करता था, कभी कभी अंडे के दुकान पे बैठता था। सर रीजन क्या है, आपस में विवाद, घर में झगड़ा? ऐसा इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया है।